महाराष्ट्र की सियासत में रातों रात बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार सुबह दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। वहीं एनसीपी नेता अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि जनता ने हमें साफ जनादेश दिया था, शिवसेना ने जनादेश का अपमान किया है। महाराष्ट्र की जनता को स्थिर और अस्थायी सरकार चाहिए, खिचड़ी सरकार नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए एनसीपी के साथ मिलकर काम करेंगे। बता दें कि महाराष्ट्र में अब तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना ही सरकार बनाने की कवायद में जुटे हुए थे। उनके बीच कई सारी बैठकें भी हुई थी जिसमें सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार करने पर बातचीत हुई थी। इससे पहले कि शुक्रवार को एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की 2 घंटे तक बैठक हुई जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे के नाम पर सहमति बनी थी। इस बैठक के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि शीर्ष पद के लिए ठाकरे के नाम पर सहमति बनी है, लेकिन आज शनिवार सुबह सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी ने राज्य में एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है और शिवसेना और कांग्रेस देखते ही रह गए। द डेली न्यूज रूम की रिपोर्ट।